कल हमने आपका कर लिया था बेटा, ये तीनों नाइन टेबल नंबर 9.1 में ट्रायंगल भी करके देखा था, पेंटागॉन भी, हेक्सागॉन भी, ऑक्टागॉन भी। आज जो हम आपका करेंगे बेटा, वो बनाएंगे मेकिंग अ सर्कल। अब सर्कल आप सभी को पता है बेटा, एक राउंड शेप में जो बना होता है हमारा सर्कल होता है। तो अ सर्कल इज मेड अप ऑफ टिनी कर्व्ड लाइंस और आर्क। द कमांड यूज टू ड्रा अ सर्कल इज रिटन एज। तो सर्कल क्या होता है, एक छोटी छोटी कर्व्ड लाइंस का आर्क बनी होती है, जिससे हमारा इस MSW लोगो में एक सर्कल बनता है। उस सर्कल को बनाने के लिए हमारी यहाँ पर क्या है, एक कमांड दी गई है जिससे हम सर्कल बना सकें। तो इसी को हम आज सॉरी तो इसी को, इस सर्कल को आज हम करके देखेंगे कि कैसे ये। तो सबसे पहले क्या है बेटा आपका, इसमें मेकिंग अ सर्कल में, तो ये जो आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है, ये है आपके सॉफ्टवेयर MSW लोगो स्क्रीन की। ठीक है, मैंने बताया था इसमें आपको कि यहाँ पर जो सीन हो रहा है आपको टर्टल शो हो रहा है, जो ट्रायंगल की शेप में है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टर्टल। नीचे ये जो लाइन है आपकी, ये वाला बॉक्स जो है, ये सारा कमांडर बॉक्स होता है। इस कमांडर बॉक्स के बिल्कुल बॉटम में टेक्स्ट बॉक्स होता है, जहाँ पर हमें कमांड लाइन स्टार्ट करनी होती है। तो कल मैंने बताया था आपका FD इज़ यूज फॉर फॉरवर्ड, FD यूज़ होती है आपकी फॉरवर्ड करने के लिए। RT इज़ यूज फॉर राइट टर्न, राइट टर्न, और अगर LT आया तो LT मीन्स लेफ्ट टर्न, LT मीन्स लेफ्ट टर्न। अब लेफ्ट हम टर्न, शॉर्टकट में यूज़ करते हैं बेटा फॉरवर्ड को FD, चाहे तो हम इसको पूरा भी लिख सकते हैं FORWARD, फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं, तो भी ये कमांड वर्क करेगी। अब चाहे इसको कैपिटल लेटर में लिखो, चाहे इसको आप स्मॉल लेटर में लिखो, तो ये भी वर्क करेगा आपका। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करना है हाउ टू ड्रा अ सर्कल। तो सर्कल में क्या है बेटा, हमें स्मॉल स्मॉल स्टेप्स जो है वो यूज़ करने पड़ेंगे। हाँ, तो मैं बता रहा था कि सर्कल में हमें स्मॉल स्मॉल स्टेप्स यूज करने पड़ेंगे। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। देखो, यहाँ पर हमें कमांड दी गई है रिपीट 360 स्पेस स्क्वायर ब्रैकेट। आपको स्क्वायर ब्रैकेट बताया था बेटा कल की, जो शिफ्ट दबाना नहीं है, जो आपका कीबोर्ड के ऊपर पी है, पी के राइट साइड के ऊपर ही आपका जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट आती है। फिर आपने दबाना है फॉरवर्ड वन और RT, RT मीन्स राइट वन, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब अगर मैं यहाँ पर एंटर दबाऊंगा तो क्या होगा, आपका एक सर्कल ड्रा होगा। लेकिन अभी इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये कैसे हो जाता है। सपोज मैं सिंपल लिखता हूँ यहाँ पर फॉरवर्ड FD वन और RT वन। अगर मैं ये लिख कर एंटर मारता हूँ तो क्या होगा, ये देखो, जो हमारा टर्टल है बिल्कुल ही स्मॉल वन स्टेप ही आगे मूव हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर हमने अपने टर्टल को, मैं इसको अगर सर्कल की शेप देना चाहूँ तो मुझे FD1 RT1, तो इसको मुझे 360 टाइम तक टाइप करते रहना पड़ेगा। अगर मैं 360 तक इसको टाइप करते रहूँगा तो क्या होगा, आपका यहाँ पर सर्कल ड्रा हो जाएगा। तो ये मेरे लिए बहुत ही हैक्टिक वाली बात हो जाएगी, और एक टाइम कंज्यूम होता है इसमें, एक हमारी फालतू में एनर्जी भी जाती है, और इसको टाइप कर करके जो है हम परेशान हो जाएंगे 360 टाइम अगर करना पड़ जाए। समझ रहे हो बात को, देखो मैं कितने बार मैंने प्रेस किया। अभी जो आपका सर्कल जो है, जो आर्क बना है, सिर्फ अभी यहीं तक बना है, ठीक है ना, मैंने कितने बार यहाँ से टाइप कर दिया। तो इसी को हम हटाने के लिए, कि हम एक ही दम जो है सर्कल बना दें, तो हम यूज़ करते हैं आपकी रिपीट कमांड। रिपीट क्या करती है, नंबर ऑफ स्टेप्स को आपके सेम स्टेप को, नंबर ऑफ स्टेप्स को रिपीट कर देती है। ठीक है, अब मैं इसे क्लियर स्क्रीन करूँगा, क्लियर स्क्रीन लिख कर अगर मैं एंटर कर दूंगा तो टर्टल अपनी
डिफॉल्ट शेप पे आ जाएगा। अब दोबारा मैं लिखूंगा रिपीट कमांड। अब यहाँ पर रिपीट लिखा, यहाँ पर मैंने 360 स्टेप्स लिख दिए। 360 स्टेप्स से आपको पता होना चाहिए बेटा, जो जब आप मैथ्स करते हो तो आपका देखो आपका एक जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। हाफ सर्कल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, और जो आपका एक्यूट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसलिए हम यहाँ पर रिपीट करेंगे 360 टाइम्स, फिर आपका स्पेस देकर स्टार्ट करेंगे स्क्वेयर ब्रैकेट, फॉरवर्ड करेंगे 1 स्टेप्स, और उसको राइट टर्न करते जाएंगे एक एक स्टेप के ऊपर। अब जैसे ही मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर दबाऊंगा तो क्या होगा, मेरा सर्कल ड्रा हो गया। देखा आपने, धीरे धीरे एक एक स्टेप करता हुआ इसने थ्री यस सिक्सटी सर, स्टेप स्टेप से राइट टर्न करता हुआ एंगल को पूरा एक सर्कल बना वो दिया। दोबारा समझा दो सर, जैसे टर्टल को हाइड करना और लाना वापस। हाँ बेटा वो भी है। अब देखो यहाँ सर्कल बनाया, तो सर्कल बनाकर आपका बीच में जो है ये एक ट्रायंगल शो हो रहा है। ट्रायंगल शो हो रहा है इट मीन्स यहाँ पर टर्टल आपका शो हो रहा है। अगर टर्टल शो हो रहा है, इसको अगर आप हाइड कर कर आप अपना सर्कल पूरा देखना चाहते हो तो हम क्या लिख देंगे सर यहाँ दोबारा से पर, समझा दो एच सर्कल आई कैसे बनता है। डी ई हाइड, TURTLE, हाइड टर्टल। अब जब मैंने हाइड टर्टल लिखकर इसको एंटर मारा तो क्या हुआ, मेरा टर्टल जो है हाइड हो गया। इस टर्टल को इसको मैं, एक्टिव लिख सकते हैं। हाँ बेटा, तो इसको मैं शो करना चाहता हूँ तो मैं लिख दूंगा शो टर्टल, SHOTURTLE। तो जैसे ही मैं ओके इसको सर, एंटर करूंगा तो क्या होगा, टर्टल शो हो जाएगा। अब सर इसकी सर्कल आप कैसे बनता है दोबारा शॉर्ट से समझा दो। बता रहा हूँ बेटा, अभी मेरी बात सुन लो पहले। अभी इसकी शॉर्टकट भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो शॉर्टकट के लिए HT होता है, HT हाई टर्टल। अब हाइड हो गया, शॉर्ट टर्टल के लिए शॉर्टकट होती है ST, तो शो टर्टल हो गया, ठीक है। यानी कि टर्टल आपके सामने शो हो गया। अब मैंने इसको क्लियर स्क्रीन करना है, क्लियर स्क्रीन की अगर मैं चाहूँ तो पूरी लिख सकता हूँ नेम, चाहे मैं इसकी शॉर्टकट लिख दूँ, जैसे मैंने यहाँ पर CS लिख दिया। अब क्या हुआ, आपका ये सर्कल जो है क्लियर हो गया। अब दोबारा से करते हैं, सर्कल कैसे करना है मैंने आपको बताया था कि रिपीट करनी है हमने स्टेप्स को। कितने स्टेप्स में हमारा सर्कल बनेगा, 360 थ्री स्टेप्स सिक्सटी में, तो मैंने 360 लिख दिया। थ्री सिक्सटी स्पेस थ्री देंगे, सिक्सटी स्पेस दे के फिर स्क्वेयर ब्रैकेट आपकी स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद हम लिख देंगे फॉरवर्ड FD स्पेस, यानी कि एक स्टेप आगे बढ़े स्पेस, और एक स्टेप आगे बढ़ने के बाद साथ की साथ राइट टर्न ले ले, कितने डिग्री पे, 1 डिग्री पे। अगर मैं 1 डिग्री के ऊपर उसको राइट टर्न करता जाऊंगा तो क्या होगा, मेरा 360 डिग्री, 360 टाइम्स बाद मेरा पूरा एक सर्कल बच जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वेयर ब्रैकेट मैंने क्लोज की और एंटर दबाया। अब देखो अब मेरा सर्कल जो है ड्रॉ हो गया, ठीक है। और कैसे ये आपका जो है फिगर 9.2 वाला हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट है आपकी बुक में बेटा मेकिंग पैटर्न्स, पैटर्न बनाने हैं अलग अलग। तो यहाँ पर फिगर 9.3 में आपके अलग अलग पैटर्न्स बनाए हुए हैं, वो हम देखेंगे हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। सपोज सबसे पहले हम करेंगे आपका जो ए पार्ट वाला है, इसमें लिखा है टू ड्रॉ द पैटर्न शोन इन फिगर 9.3A यूज द फॉलोइंग कमांड। तो उससे पहले मैं इसको क्लियर स्क्रीन कर रहा हूँ बेटा। तो यहाँ पर लिखा है आपका रिपीट 20 स्टेप्स। अब हम इस रिपीट को भी डबल रिपीट करेंगे, ठीक है, रिपीट को भी डबल रिपीट करेंगे। रिपीट लिखा मैंने 20 स्टेप्स, उसके अंदर स्क्वेयर ब्रैकेट लगाई, फिर मैंने रिपीट किया 360 डिग्री, 360 डिग्री, और इसके अंदर मैंने सर्कल वाला जो फॉरवर्ड 1 कमांड लिखी थी और राइट एंगल पे 1 कमांड लिखी थी, इसको लिख दिया और इसको क्लोज कर दिया। अब इसके बाहर मैंने लिख दिया लेफ्ट टर्न 20। अब ये लेफ्ट टर्न लेगा 20 स्टेप्स के लिए। यहाँ पर जब मैं क्लोज करूँगा तो ये देखना आपका ए वाला जो पैटर्न था वो सारा ड्रा होगा। कैसे, अब हम एग्जीक्यूट करेंगे इसको। एग्जीक्यूट पे क्लिक करते ही ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन
थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, और ये जाकर यहाँ रुक गया। और आपका सर, हमें इसको एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ेगा, हम अगर इसको एंटर कर देंगे तो सर ये बनेगा नहीं। एंटर करने का मतलब ही बेटा आपका एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। जब हम एंटर करते हैं तो इट मीन्स यू आर एग्जीक्यूटिंग दैट कमांड। तो अभी हमने जो किया है वो एग्जीक्यूट किया है, तो जो आपकी टेक्निकल टर्म होती है वो एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है। तो ये आपका ई पैटर्न आपका सॉल्व हुआ। अगर इसको आपने समझना है तो क्या है कि सबसे पहले तो हमने सी एस, क्लियर स्क्रीन कर रहा हूँ मैं, स्क्रीन सबसे पहले तो हमने आपका वही सेम सर्कल ड्रॉ किया। जैसे यहाँ पर मैंने रिपीट 360 कर कर फॉरवर्ड वन और राइट वन किया था, ठीक है, एक सर्कल बन गया। इस सर्कल को बनने के बाद मैंने एल टी क्या किया, लेफ्ट टर्न कर दिया 20 डिग्री के ऊपर। अब आपका टर्टल जो है वो देखो ध्यान से 20 डिग्री के ऊपर टर्न कर गया। और फिर यही सारे स्टेप को मैंने जो रिपीट किया है 20 टाइम्स रिपीट करना है। अब देखो एक स्टेप ये हुआ, फिर मैंने एल टी 20 के ऊपर इसको टर्टल को और मूव कर दिया। फिर यही स्टेप मैंने दोबारा एंटर किया, थर्ड सर्कल बना, फिर मैंने और 20 डिग्री के ऊपर लेफ्ट को टर्न कर दिया, फिर मैंने यही स्टेप चलाया, फिर एंटर दबाया, ठीक है, फिर और 20 डिग्री पे किया, ठीक है, फिर रिपीट किया। तो ये बजाय कि इस डिज़ाइन को पूरा बनाने के लिए मुझे 20 टाइम और यही स्टेप रिपीट करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने ये सारी कमांड जो है आपकी दोबारा चला दी थी। वो मैं आपको समझाता हूँ क्लियर स्क्रीन करके, कि पहले तो हमने क्या लिखा आपका सेम यही सर्कल बनाने वाला लिखा, ठीक है। सर्कल बनाने के बाद हमें इसको लेफ्ट टर्न करना है कितने डिग्री पे, 20 डिग्री पे। तो यहाँ पर ये क्लोज कर दिया, और यही 20 डिग्री पे लेफ्ट होने के बाद ये जो आपका सर्कल बन रहा है ये कितने टाइम बनेगा, तो वो भी हमने लिख दिया रिपीट 20 टाइम्स। अगर 20 बार ये रिपीट होगा यही सारा स्टेप, तो क्या होगा आपका सर्कल वाला जो डिज़ाइन है वो दोबारा बन जाएगा, पैटर्न जो है सर्कल से बनेगा। तो दोबारा करके देखते हैं, एंटर मारूंगा मैं, वन सर्कल, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन, एटीन, नाइनटीन, ट्वेंटी, और जाकर सर्कल को ही लेकर आपका चलता है, ठीक है। अब आते हैं हम, हाँ बेटा 20 लाइन है, क्योंकि 20 लाइन में आपका ये पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 20 से ज्यादा लाइन लिख दे, 25-30 तो गलत बन जाएगा। गलत नहीं बनेगा बेटा, देखो ये मैं क्लियर स्क्रीन करके आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसको क्लियर स्क्रीन करोगे और यही स्टेप को आप 25 टाइम्स ज़्यादा कर दोगे, तो क्या होगा, ये उसके ऊपर ओवरराइट करने लग देगा, स्टेप्स जो है आपका ओवरराइट कर देगा। अब मैं एंटर कर रहा हूँ, देखते जाओ, शेप तो वही बनेगी लेकिन उसी शेप में ये इसी लाइंस को ओवरराइट करता जाएगा 25 स्टेप। ये देखो ये अब ओवरराइट कर रहा है, लेकिन कोई चेंजिंग नहीं होगी, लेकिन उस स्टेप्स के ऊपर ही जो है ये मूवमेंट होकर स्टॉप हो गया, ठीक है। ओके सर, अब हम चलते हैं सेकंड पैटर्न के ऊपर। मैंने क्लियर स्क्रीन किया, सेकंड पैटर्न में क्या है आपका, ये जो शेप दिखा रही है इसमें हम लिखेंगे रिपीट 10 स्पेस स्क्वायर ब्रैकेट, फिर रिपीट दिया 5 और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हमने फॉरवर्ड 50 स्टेप्स, राइट टर्न 72 स्टेप्स, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और लेफ्ट टर्न कर ले 300 डिग्री के ऊपर। अब जैसे ही मैं इसको क्लोज करूँगा और एग्जीक्यूट करूँगा इस कमांड को एंटर करके, तो देखो आपका
एकदम में यही पैटर्न जो है बन गया। अब इसको हम धीरे धीरे करके देखेंगे कैसे हुआ। इसको मैंने क्लियर स्क्रीन किया, सिंपल मैंने लिखा स्टेप फॉरवर्ड 50। रिपीट को नहीं कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते? नहीं बेटा, रिपीट को नहीं हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते। ओके सर। अब लिखा हमने फॉरवर्ड 50 और RT राइट टर्न किया 72। अगर मैं यही लिखूंगा बेटा, एंटर मारूंगा, तो आपका कहाँ तक जाएगा? ये एक लाइन आगे जाएगी, आगे जाकर वो राइट टर्न कर जाएगी 72 डिग्री की। फिर मैं फिर लिखूंगा फॉरवर्ड 50, एंटर मारूंगा, तो यहाँ तक आई, मैंने राइट टर्न किया 72 डिग्री के ऊपर, तो ये टर्टल का शेप मुड़ गई। फिर मैं फॉरवर्ड करूँगा 50 टाइम, 50 स्टेप्स आगे, यहाँ तक पहुँच गई। फिर मैं राइट टर्न करूँगा इसको 72 डिग्री के ऊपर, शेप चेंज हो जाएगी टर्टल की। फॉरवर्ड करूँगा 50 स्टेप्स, फिर राइट टर्न करूँगा इसको 72 डिग्री के ऊपर, फिर फॉरवर्ड करूँगा इसको 50 स्टेप्स। सर अब आपका जो है पेंटागॉन बन गया, ये एक शेप सिंगल। बोलो बेटा, अब हम आगे कर रहे हैं बेटा। ये तो एक स्टेप था। अब एक स्टेप करने के बाद हमने क्या करना था, लेफ्ट टर्न किया इसको 300 डिग्री के ऊपर। जैसे ही मैं इसको 300 डिग्री के ऊपर करूँगा, तो इसका टर्टल की शेप चेंज हो जाएगी। और चेंज करने के बाद दोबारा फिर हमें वही करना है, रिपीट फॉरवर्ड करना है 50 स्टेप्स, यहाँ पर गया, राइट टर्न किया 72 डिग्री के ऊपर, फिर फॉरवर्ड किया 50 स्टेप्स, राइट टर्न किया 72 डिग्री के ऊपर, फिर फॉरवर्ड किया 50 स्टेप्स, ठीक है, और राइट टर्न किया 72 डिग्री के ऊपर, फॉरवर्ड किया 50 स्टेप्स, राइट टर्न किया 72 डिग्री के ऊपर, फॉरवर्ड किया 50 स्टेप्स। मतलब देखो कितना हेक्टिक काम हो जाता है अगर एक एक स्टेप हमें करना पड़ जाए। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, इस कमांड को रिपीट के थ्रू यूज़ कर कर उसे फॉलो करते हैं। और जहाँ मैं क्लियर स्क्रीन करके आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए था बेटा, लेकिन जो एक्चुअल में हमें करना है, रिपीट 10 स्टेप्स, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, रिपीट 5 स्टेप्स, फॉरवर्ड किया 50, राइट टर्न किया 72 डिग्री के ऊपर, और क्लोज की स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर मैंने लेफ्ट टर्न कर दिया 300 डिग्री के ऊपर, और जब स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया, तो क्या हुआ, आपका वही सेम पैटर्न जो था ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब हम क्लियर स्क्रीन करेंगे और सी पार्ट पे चलेंगे। पार्ट में भी हमें क्या बनाना है, सी पार्ट में हमें दिखाया गया है एक सन की शेप में बनाकर, जैसे सन की शेप होती है और उसकी रेज पड़ रही होती हैं, वैसे हमें दिखाया गया है। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए जो हमारे पास कमांड यहाँ पर दी गई है, वो है रिपीट 20 स्क्वेयर ब्रैकेट, फिर रिपीट 3 स्क्वेयर ब्रैकेट, FD 20 और RT 120, स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज, फिर फॉरवर्ड 20 और LT 20 और स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज। अब जब मैं इसे एंटर करूँगा, क्या होगा, आपका सन की शेप में और उसके साथ रेज थी जो, वो बन जाएगी। ठीक है, तो ये भी सारा स्टेप्स जो हैं आपके स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में करके आपको दिखाए गए हैं। अगर आप एक एक स्टेप करोगे तो भी यही बनेगा, लेकिन उसमें हमारा ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हम जो है रिपीट कमांड आपकी यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, जहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यस सर। अभी मैं आपके साथ बुक भी शेयर करता हूँ बेटा। यस सर। अब देखो, जो हमने पैटर्न ड्रॉ किए थे, ये आपकी बुक में जो शो किए गए हैं, सेम ऐसे ही हमने अभी तक जो है ड्रॉ किए हैं। नेक्स्ट है आपका चेक पॉइंट। चेक पॉइंट में दिया गया है, द फॉलोइंग MSW लोगो कमांड्स आर यूज
टू ड्रा अ पॉलीगन हैविंग एन साइड्स, फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ एन। यहाँ पर जो है आपकी कमांड्स दी गई हैं पॉलीगन बनाने के लिए। तो पॉलीगन कैसे बनता है, जिनकी जो है थ्री या थ्री से ज़्यादा जो साइड्स सेम होती हैं उनको हम पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, तो वो पॉलीगन हम यहाँ पर बनाकर देखेंगे बेटा। यहाँ पर मैं यही सेम लिखूँगा, रिपीट। यहाँ पर हमारा फर्स्ट में आंसर है 12, तो 12 लिख के पहले मैं बनाता हूँ। एफ डी 40 और आर टी 30। यहाँ पर अगर मैंने क्लोज किया इसको और एंटर दबाया तो क्या आपका एक पॉलीगन बनेगा? हाँ बिल्कुल, ये आपका सेम पॉलीगन सेम शेप का बनेगा। हर एक की जो लाइंस हैं ये जब कर्व हो रही हैं जहाँ से, वो सेम एंगल की हैं। ठीक है, अगर इसी कमांड को मैं 12 की जगह 11 दे देता, ठीक है, तो क्या होता? अब मैं एंटर करता हूँ तो ये आपकी, अभी क्लियर स्क्रीन करके दिखाता हूँ, अभी आपको पता नहीं लगेगा। 12 की जगह मैं यहाँ पर 11 कर रहा हूँ। अगर 11 कर कर मैं एंटर मारता तो क्या होता, आपका ये पूरा प्रॉपर पॉलीगॉन नहीं बन पाता। ठीक है, ये देखो आपकी जो है बीच में एक जगह स्पेस रह जाती। तो इस पूरे प्रॉपर पॉलीगॉन को बनने के लिए हमें जो है आपके 12 स्टेप वाला ही जो चाहिए है। ठीक है, तो n की जगह हम क्या देंगे? 12 ज़्यादा 13 लिख ले बेटा, वो फिर ओवर राइट, हाँ फिर खराब नहीं, फिर वो ओवर राइट कर देगा। तो ओवर राइट नहीं हमने करना है, जहाँ तक हमें सिर्फ वहीं तक लिखना होता है जहाँ तक हमारा पूरा जो है पॉलीगॉन ड्रा हो जाए। ठीक है, इसीलिए हम 12 स्टेप्स लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड आपका, रिपीट एन एफ डी 40 और आर टी 24। अगर हम फॉरवर्ड किया आपका 40 डिग्री के ऊपर और राइट टर्न कर दिया मैंने 24 डिग्री के ऊपर, तो ये स्टेप मुझे कितने बार करना पड़ेगा कि मेरा जो है एक पॉलीगॉन ड्रा हो जाए। ठीक है, अगर मैं इसको करता जाऊंगा ऐसे ही तो मुझे तकरीबन 15 टाइम्स सेम ये करना पड़ेगा। इसीलिए मैं यही सेम कमांड जो आपकी बुक में है, एन की जगह मैं लिख दूंगा 1515 और फॉरवर्ड करूंगा 40 स्टेप्स और राइट टर्न करूंगा 24 डिग्री के ऊपर। ठीक है बेटा, ये देखो आपकी बुक में जो है यहाँ पर एन की जगह मैंने दे दिया आपका 15 स्टेप्स। ठीक है, ताकि मेरा ये सारा स्टेप ड्रा हो जाए। फॉरवर्ड करना है हमने 40 स्टेप्स और राइट टर्न देना है इसको एंगल के ऊपर 24 के ऊपर। अब अगर मैं यही कमांड एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो हमारा प्रॉपर पॉलीगॉन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पे जाएंगे, यहाँ पर एन स्टेप। अगर हम यही लिखते एन लिखते 15 की जगह, एन तो बेटा कोई अमाउंट नहीं होती, तो फिर एरर आ जाएगी बेटा। एन मीन्स हमें वैल्यू, करेक्ट करेक्ट वैल्यू देनी है। यहाँ पर आपका लिखा है ना फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ एन, एन की जगह ही हमें करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे आपके मैथ के पेपर में आपको दी होती है क्वेश्चन में कि आपने फाइंड आउट करनी होती है, अगर कोई वैल्यू एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो आप उसकी जगह जो है नंबर फाइंड आउट करते हो। ठीक है, वैसे हमने यहाँ पर नंबर फाइंड आउट कर। अब है आपका रिपीट 9 थर्ड में, फॉरवर्ड किया 40 स्टेप्स और राइट टर्न किया आपका 40 स्टेप्स। अब जब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या होगा, आपका एक और पॉलीगॉन पूरा बन जाएगा जहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एन में क्या आएगा 9। तो जिसने गलत किया बेटा वो सही कर लो, फॉरवर्ड 40 स्टेप हो गया, राइट डिग्री 40 स्टेप्स हो गया, 40 डिग्री हो गया। नेक्स्ट आपका करेंगे हम फोर्थ पॉलीगॉन, इसमें दिया है आपके फोर्थ में एन, हमने फॉरवर्ड करने हैं 40 स्टेप्स, राइट डिग्री के ऊपर 18, राइट टर्न करना है 18 डिग्री के ऊपर। तो एन जो है आपका 20 स्टेप्स में ये पूरा पॉलीगॉन बन जाएगा। वो कैसे हम देखते हैं, इसी स्टेप्स के ऊपर मैं क्लिक करके हमारी जो कमांड है वो आ जाती है।
अब मैं इसे डिलीट करके यहाँ 20 लिख दूंगा, फॉरवर्ड करूँगा 40 स्टेप्स, राइट डिग्री के ऊपर 18 स्टेप्स, टर्न कर दूंगा। अब जब मैं एंटर करूँगा और एग्जीक्यूट करूँगा इसे, तो ये क्या हुआ, आपका एक पॉलीगॉन बन गया। ठीक है, ये मैंने क्लियर स्क्रीन नहीं किया ताकि आपको थोड़ा सा दिखता जाए। ठीक है, हमारा इसमें एक पॉलीगॉन रह गया है फर्स्ट वाला, जो इसमें शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने क्लियर स्क्रीन कर दी थी। इसको भी देख लेते हैं बेटा, वो अगर इसी में बनाना होता तो कितना बनता। यहाँ 15 की जगह 12 लिख देता हूँ, ये फर्स्ट वाला कर रहे हैं हम, ये 12 वाला, 12 स्टेप्स कर दिया, फॉरवर्ड 40 किया और राइट टर्न किया हमने 30 डिग्री के ऊपर। तो अगर ये करता तो हमारा इस तरह का पॉलीगॉन बनता था। तो ये हमारे चेक पॉइंट्स में अलग अलग फोर जो दिए हुए हैं वो सारे पॉलीगॉन यहाँ बन गए हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज प्रोसीजर। अब प्रोसीजर के ऊपर आ गए हैं बेटा, अब हम एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं पेज नंबर 84 के ऊपर। तो प्रोसीजर्स क्या होते हैं, यहाँ तक तो हमने जो किए थे पैटर्न बनाने सीखे हैं। ठीक है, पैटर्न बनाकर उनको कैसे रिपीट करना है वो सीखा है। अब आ गए हैं प्रोसीजर, कि अगर इन्हीं प्रोसीजर को इस तरह से हम बना दें कि हमारी चीज़ें उसमें सेव हो जाएं। जैसे एक लड़का पूछ रहा था सर कि क्या रिपीट कमांड की कोई शॉर्टकट नहीं है, तो प्रोसीजर में क्या होता है कि हम इन्हीं शॉर्टकट्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उनके प्रोसीजर्स बनाकर। तो अब प्रोसीजर क्या होता है, व्हाट इज़ प्रोसीजर, लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू लर्न अबाउट प्रोसीजर्स। ठीक है, प्रोसीजर को समझने के लिए सबसे पहले हम ये एक्टिविटी करते हैं, या फिर ये बेटा कल कर लेंगे, आज आपका जो है टाइम भी कवर हो गया पूरा। ठीक है, नेक्स्ट जब आपकी क्लास लगेगी है ना, नेक्स्ट वीक, तब हम आपका ये सारा प्रोसीजर वाला पार्ट कर लेंगे। ओके,